दोस्तों, गोदी मीडिया को हमने देखा है कि अगर किसी मुस्लिम के खिलाफ एक भी कोई केस मिल जाए तो पूरी कौम को बदनाम करने में लग जाते हैं। इसी तरह आईटी सेल वाले सोशल मीडिया पर मुस्लिम तो धार्मिक रूप से कट्टर होते हैं, उन्हें अपने धर्म के सिवाय कुछ दूसरा दिखता नहीं, ये लोग तो सिर्फ मदरसे में पढ़ते हैं, आतंकी फैक्ट्री तैयार करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, इनकी महिलाएं हिजाब में तड़प रही हैं, शोषण से बेहाल हैं, वगैरह वगैरह। मगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर चुके इन नफरती मानसिकता वाले लोगों के एजेंडे को इसरो के साइंटिस्ट निगार शाजी ध्वस्त करते दिखाई दे रहे हैं, जो सूर्य मिशन आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर टीम आदित्य L1 एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट आदित्य L1 इज इंजेक्टेड इन द इंटेंडेड ऑफ इट। ये वीडियो 2 सितंबर का है, जब भारत ने दुनिया में इतिहास रचा। सूर्य मिशन के जरिए भारत ने न सिर्फ अपनी साइंटिफिक एफिशिएंसी को जगजाहिर किया, बल्कि महिला शक्ति से भी रूबरू कराया है। इस प्रोजेक्ट की कमान एक महिला निगार शाजी के हाथ में है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद महज 3 दिनों के भीतर मिशन सूर्य लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाजी और उनकी टीम ने बेहद कम वक्त में इस लॉन्च मिशन को पूरा किया और दुनिया भारत के वैज्ञानिक ताकत की गवाह बनी। यहां मुझे कई लोग टोक सकते हैं कि आप एक वैज्ञानिक की पहचान को उसके धर्म से जोड़कर क्यों बता रहे हैं, क्या उसका सिर्फ भारतीय होना काफी नहीं है। मगर आज जो देश के हालात हैं, जिस तरह बहुसंख्यक हिंदू समाज में एक प्लानिंग के तहत मुस्लिम समाज के प्रति नफरत बोई जा रही है, सदियों से साथ रहते आए हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोगों को अलग करने की कोशिश की जा रही है, अपराधियों का धर्म खोजा जा रहा है, और अगर गलती से भी अपराधी अल्पसंख्यक समुदाय का है तो सोशल मीडिया और गोदी मीडिया पर लोग पूरे धर्म को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में ये भी तो जरूरी है कि उसी समाज के वे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनकी भी बात हो। लेकिन अपराधियों के ऊपर पूरी डिबेट कराने वाली इसी गोदी मीडिया को सांप सूंघ जाता है जब मुस्लिम समाज का कोई शख्स अच्छा काम करता है। सोचिए नफरत किस कदर हमारे देश के युवाओं में भर गई है। आए दिन एक कौम के लोगों को बायकॉट करने की बात की जाती है, उनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने वाले नफरती मानसिकता के लोगों से कहना चाहता हूं कि जनाब, अगली बार नफरत करने से पहले साइंटिस्ट निगार शाजी का नाम याद रखना, चाहो तो मजहब भी याद रख लेना, थोड़ी नफरत कम होगी, रिस्पेक्ट आएगी, मालूम चलेगा किस देश को बचाने वाले भी एक अब्दुल थे, वीर अब्दुल हमीद, और इस देश को बनाने वाले भी एक अब्दुल थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और कलाम साहब के ही राज्य तमिलनाडु से हैं निगार शाजी। पर गोदी मीडिया की हिपोक्रेसी देखकर वाकई में हंसी आती है। निगार शाजी को कोई भी गोदी मीडिया मुसलमान कहकर नहीं बुला रहा है। क्यों भाई, मुसलमान सिर्फ गलत कामों से ही जुड़ा जाएगा क्या? पूछना चाहता हूं कि अच्छे काम करने वाले और वतन का सिर फक्र से ऊपर उठाने वालों को उनके मजहब से आखिर क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? अब क्यों डिबेट नहीं हो रही है इस मसले पर? बहरहाल, कोई बोले या ना बोले, मैं इस बात को जोरदार ढंग से बोलूंगा कि हमारे देश की एक मुस्लिम महिला ने अपने वतन को दुनिया में वो सम्मान दिलाया है जो दंगाई मानसिकता वाले कभी नहीं दिला सकते। निगार शाजी और तमाम वैज्ञानिक इस बात को साबित करते हैं कि देश का मान सम्मान इनकी बदौलत है, न कि नूह, गुरुग्राम या बरेली में हिंसा फैलाने वाले नफरती चिंटुओं से। जाहिरन निगार शाजी जैसी मुस्लिम महिलाएं न सिर्फ महिला बिरादरी बल्कि अपने कौम का भी सिर फख्र से ऊंचा कर रही हैं, क्योंकि हमारी इस महिला वैज्ञानिक ने न सिर्फ स्पेस में रॉकेट दागा है बल्कि उस सोच पर भी दागा है जो दिन रात हिंदू मुसलमान के चश्मे से किसी कौम को देखते हैं। देश में उस फैक्ट्री पर भी चोट किया है जहां से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नया नया नफरती सिलेबस तैयार होता है। अब आइए जान लेते हैं कि कौन है निगार शाजी और इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या पढ़ाई इन्होंने की है। दोस्तों, निगार शाजी मूल रूप से तमिलनाडु के तेनकाशी जिले की रहने वाली हैं और इनके पिता एक किसान थे। घर में एजुकेशन के प्रति माँ बाप और भाइयों में जागरूकता थी, लिहाजा उसी दौर में इन्होंने तिरुनेवली गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की। उसके बाद शाजी ने झारखंड के रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की। एजुकेशन के तुरंत बाद ही 1987 में वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से जुड़ गए। इसके बाद UR राव सैटेलाइट टीम में शामिल हो गई। शाजी कम्युनिकेशन और इंटर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से जुड़े कार्यक्रमों की एक्सपर्ट मानी जाती हैं। उनके अनुभव और एक्सपर्टीज को देखते हुए ही उन्हें सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया, यानी उनके ही नेतृत्व में इस मिशन को अब अंजाम दिया जा रहा है। शाजी इसके पहले भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसोर्स SAT-2A की भी एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर रह चुके हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि शाजी के साथ सूर्य मिशन में एक और महिला वैज्ञानिक का बड़ा योगदान है और उनका नाम है अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम। अन्नपूर्णा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के डायरेक्टर हैं। इसी इंस्टीट्यूट ने आदित्य L1 का पेलोड डिजाइन किया है, जिसके जरिए
सूर्य पर स्टडी की जाएगी। ये दोनों महिलाएं इस बात का सबूत है कि भारत की नारी शक्ति अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है बल्कि अंतरिक्ष तक अपने काम का लोहा मनवा रही है। दुनिया के दूसरे मुल्क भी भारत की महिलाओं की साइंटिफिक अप्रोच पर हैरत अंगेज निगाहों से देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत के मिसोजेनिक और नफरती चिंटू भी मिशन सूर्य में शामिल महिलाओं की भूमिका से कुछ सीख लेंगे और अपना नजरिया महिलाओं और अल्पसंख्यकों के प्रति बदलेंगे। दरअसल यहाँ निगार शाह जी, अन्नपूर्णा और इसरो संस्थान ही काफी कुछ दर्शाते हैं। सही मायने में ये भारत की आत्मा को दर्शाते हैं, इसके मुस्तकबिल को दर्शाते हैं। ये उन लोगों की सोच पर भी चोट करते हैं जो मानते हैं कि एक धर्म विशेष के लोग वतन परस्त नहीं है। उन लोगों की सोच पर भी चोट है जो ये मानते हैं कि इस देश में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। निगार शाह जी और इसरो ऐसे तमाम जहनियत पर चोट करते हैं। निगार शाह जी की निजी जिंदगी की बात करें तो वो अपनी माँ और बेटी के साथ बेंगलुरु में रहती हैं। इनके पति भी एक इंजीनियर हैं और वो विदेश में काम करते हैं। इनका एक बेटा है और वो भी नीदरलैंड्स में बतौर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। शाहजी के पिता का 30 साल पहले इंतकाल हो गया। तमिलनाडु के एक गांव में उनके भाई एस शेख सलीम रहते हैं। निगार शाहजी वहां अक्सर परिवार के बाकी सदस्यों के साथ छुट्टियों में जाती रहती हैं। रिश्तेदारों के ब्याह शादी भी अटेंड करती रहती हैं। द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों के प्रोपेगेंडा को साइड रख दें तो हमें साउथ इंडिया के मुस्लिम और नॉर्थ इंडिया के मुस्लिम में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। हालांकि ये बात हिंदू, सिख, ईसाई सभी पर लागू होती है, लेकिन जिस अनुपात में साउथ की मुस्लिम महिलाओं का एजुकेशन साइंटिफिक और जॉब ओरिएंटेड है वो नॉर्थ इंडिया में कम देखने को मिलता है। हुक्मरान क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इससे हटकर हमें आपको मिलकर सोचना है। अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को पढ़ाना है, अच्छी और सही शिक्षा देनी है। आप देख सकते हैं कि इस मुल्क में इतने संस्कार तो हैं कि टैलेंट को उसका वाजिब सम्मान देना जानता है। बहुसंख्यक समाज के हिंदू लोगों को भी सोचना होगा कि जय श्री राम का नारा लगाने और बच्चों को दंगाई बनाने से ना तो आपका धर्म श्रेष्ठ होगा और ना ही भारत का झंडा और इकबाल बुलंद होगा। भारत का इकबाल बुलंद होगा भाईचारे से, साइंटिफिक सोच से। आप लोग भी इसरो की तरह अपने घर के टैलेंट को अपॉर्चुनिटी दीजिए। दोस्तों, तमिलनाडु से ही हमें मिसाइल मैन और परमाणु बम का सफल परीक्षण कराने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब मिले थे। क्या ये माना जाए कि कलाम साहब की तरह ही अब हमें निगार शाहजी मिल गई हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप मुझे कोई संदेश भेजना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, प्लीज़ लिखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।